बहुत AS न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत साधुवाद। और AS न्यूज़ के ये आपका नाम क्या है? आशीष एंड प्रवीण सिंह। वेरी हार्ड वर्किंग बॉयज, ये लोग बहुत मेहनत करत अड़न और इन लोगन के आशीर्वाद इन लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ियन। AS न्यूज़ देखिए और आनंद लीजिए क्योंकि ये यंग युवा चेहरे हैं जो उसको चला रहे हैं। धन्यवाद सर। इधर घुमाओ। नमस्कार दोस्तों, आशीष सिंह एक बार फिर से जुड़ चुका आपके साथ। बता दे कि जौनपुर से आया हुआ लड़का जो भोजपुरी फिल्मों में भी गया, जिसके उसके पापा जिसके उसके पिता उसको पुजारी बनाना चाहते थे, वो रवि किशन संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, भोजपुरी सुपरस्टार बने। भोजपुरी सुपरस्टार बनने के बाद अब वो गोरखपुर के संपर्क में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके का हुजूम है यहाँ पर। हमारे साथ रणवीर भैया है, इनसे बात करते हैं। भैया क्या लगता है, किस तरीके उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? अब आप स्वतः कैमरा लेके चल रहे हैं तो उत्साह के बारे में बताना नहीं है, 101% हम लोग कंफर्म है कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं। मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, आर्मी कैप्टन से रिटायर हूँ। मोदी सरकार के विकास को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमेशा प्रधानमंत्री अगर हो तो मोदी जैसा ही हो। हाँ। और मोदी ही हो ठीक है, नहीं तो मोदी जैसा हो। अच्छा, आर्मी के एक जवान है तेज बहादुर जो कि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन नामांकन रद्द हो गया, उनका तो कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक को उसके पास बुद्धि नहीं है। और भी नेता है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा यादव, मैं संगठन मंत्री हिंदू भवानी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ जी। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के हुजूम देकर गोरखपुर में क्या लगता है कि रवि किशन जी यहाँ से पूर्व आज से पूर्व जितने भी यहाँ के लोग हुए मुख्यमंत्री हुए, गोरखपुर इस विकास से अछूता हुआ रहा, कोई विकास का काम नहीं हुआ। आज कुछ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे एम्स, फर्टिलाइजर, चिड़ियाघर, विकास। और आप देख सकते, एक मिनट आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आप देख सकते किस तरीके से रवि किशन जी फूलों की जो है कि लड़ी सी फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर। आगे लोगों में क्या देखने को मिलता है ये देखने वाली बात रहेगी। अगर आप देख सके आगे तो देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं का आशीर्वाद ले रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं रवि किशन। और जिस तरीके से महिलाएं उनपे अपना एक विश्वास जो कहते हैं विश्वास कह सकते हैं कि थोप रही है उनके ऊपर, वो देखने को मिल रहा है किस तरीके से मिलजुल रहे हैं लोगों में। तो ये और भी चीजें आगे बढ़ती रहेंगी और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी। पीछे तो लीजिएगा। और सेल्फी देख सकते हैं, युवक जिस तरीके से सेल्फी खिंचा रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे हमारे साथ हिंदू वाहिनी के। भाई आपका नाम? अश्विनी कुमार सिंह जी। क्या कुछ क्या लग रहा है इस तरीके हुजूम देगा, किस तरीके की एक उत्साह है लोगों में? बहुत उत्साह है। रवि किशन जी यहाँ भारी मतों से 2-3 लाख वोट से जीत रहे हैं और गोरखपुर वासियों में बहुत उत्साह है। रवि किशन जी आए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में गोरखपुर का विकास करेंगे और यहीं पर रहेंगे। जैसा कि विरोधी कहते हैं कि हम ये चले जाएंगे चुनाव के बाद, लेकिन वो यहीं रहेंगे, गोरखपुर विकास करेंगे और जनता उनको पसंद कर रही है और वो चाहते हैं कि गोरखपुर का वो सांसद बने। क्या गठबंधन से कुछ इनके ऊपर क्या कुछ ऐसा कुछ आता है बात की गठबंधन की वजह से कुछ परिस्थितियां बदलेंगी? नहीं, गठबंधन एकदम फेल हो गया है, गठबंधन का मुंह एकदम बंद हो चुका है। केवल चारों तरफ गोरखपुर का एक मिशन है, रवि किशन रवि किशन रवि किशन। तो देखा जिस तरीके से हिंदी वाहिनी के नेता थे उन्होंने बताया कि 2-2.5 लाख वोटों से विजयी बनेंगे रवि किशन। जिस तरीके से रवि किशन आगे बढ़े, जनता का संबोधन किया, उसी तरीके से यहाँ महिलाएं हैं जो जिनसे वो मिलन के घर में व्यस्त। मैम किस तरीके का उत्साह है लोगों में और आप में, किस तरीके उत्साह आपसे आए और रवि किशन जी मिले? बहुत अच्छा लगा, उन मेरे घर आए और बहुत उत्साह है। मैंने अपने हाथ से उनको मिठाई भी खिलाई, सेल्फी ली, प्लस जो है ओवरडोज हो गया उनको मिठाई का, ओवरडोज हो गया ठीक है। पर वो जीते ये हम सबकी तमन्ना है। इस धूप में वहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक खड़े हैं और रवि किशन जी को देखने के लिए, वहाँ एक महिला खड़ी है युवक को देखने के लिए। तो इस तरीके का प्यार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की लोगों में उत्साह है रवि किशन जी को लेकर के।
और लोगों से बात करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस चीज के बारे में। देखिए जिस तरीके से रवि किशन जी अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं रवि किशन जी, देख सकते जिस तरीके की बातचीत करेंगे उनसे रवि, जिस तरीके से अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का रवि जी और यहाँ पर लोगों के साथ। अभिवादन कर रहे हैं जिस तरीके से, देखिए आपके हाथ मिला रहे हैं लोगों में, क्या उत्साह है, क्या कुछ किस तरीके का प्यार देखने को, किस प्यार देखने को मिल रहा है। देखिए अद्भुत प्यार है, हम लोग कोई भी कॉलोनी नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रत्याशी आया नहीं, हम लोग वहाँ जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन, हम लोगों की कार्यशैली ऐसी है, हम लोग जहाँ पर एक एक वोट है वहाँ भी जा रहे हैं। तो देखा कि जिस तरीके से बताया रवि ने कि एक एक वोट के लिए ये लोग वहां जा रहे हैं जहां कोई पार्टी नहीं पहुंच पाती, एक भी कॉलोनी नहीं छोड़ना इनका उद्देश्य यही है। इनके सफर में हम आगे बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। यहां लोग कुछ हैं जो अभिवादन के लिए रुके हुए हैं, उनको माला पहनाने के लिए रुके हुए हैं, उनसे बातें करने के लिए रुके हुए हैं, अपनी परेशानियों को बताने के लिए रुके हुए हैं। आइए लोगों को देखते हैं कि किस तरीके का उत्साह है लोगों में देखने को। इस तरीके से देख सकते हैं वहाँ कुछ महिलाएं हैं पीछे, देखिए जिस तरीके से लोग माला पहना रहे हैं, उनको फोटो खिंचाने की होड़ है नेताओं में भी और लोगों में भी। सफर में आगे बढ़ चुके हैं, अब हम रामपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पहले किस तरीके से प्यार दिख रहा भैया? जी, और उनका पूरा फायदा और सरकार आप कभी साइको किलर का रोल निभाते थे, कभी आप कृष्ण बने, कभी कृष्ण की भूमिका में रहे, कभी कभी पिता के रोल में रहे, 600 मूवीज आपने की। सर क्या लगता है कि पॉलिटिक्स राजनीति एक बड़ा पहलू रहेगा? सेवा करना लाए महादेव की कृपा, रक्षा बाबा महाराज योगी महाराज, कुछ कारण है। देखो हम जीवन में कभी कुछ प्लान नहीं किया, हमारे जीवन में जो होता गया मैं उसमें अपने आप को जोड़ता था। जी अब चाह रहे हैं प्रभु की कुछ सेवा करें। क्या कुछ मुद्दे होंगे? युवाओं को बहुत सारा रोजगार, फिल्म स्टूडियो जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बिहार झारखंड यूपी के सारे बच्चे एक छत के नीचे आए और अपने आप को ट्रेंड करें। उस छत के अंदर हर कैमरामैन से लेकर मेकअप से लेकर हर डिपार्टमेंट है, म्यूजिक संगीत, ताकि कई लाख लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और बहुत सारे कलाकार यहाँ पर हैं भाग भाग के लिए, तो उसमें कलाकार कला की विधा बहुत अलग अलग है। लेकिन जो पिछले उपचुनाव हुए थे गोरखपुर और फूलपुर सीट पे, तो भाजपा को एक बड़ी हार मिली, तो क्या लगता है इस बार किस तरीके का एक व्यवहार देखने को मिला लोगों को? कुछ कार्यकर्ता थोड़ा सा आराम करने लग गए थे, लेकिन इस बार इतना आक्रोश और इतना जोश है कि हमारे अंदर क्या लग रहा है? तो जिसके जो वोट मांगे नाली के लिए, आई आई रवि जी के पास भैया थोड़ा सा महिलाएं, इन लोगों की शिकायत है नाली को लेकर के। ये हम देख लिया आज, अब जीतला के बाद ही के पहले काम करवाए, ये हम करवाए, हम देख लिए, हम अभी आज विधायक जी से बात कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान मिल रहा है। क्या उम्मीद है? वोट देना है, हम देना है, लेकिन हमारा नारी भी सही करवा दे, ये हम करवाए, हम करवाई। तो देखा जिस तरीके से रवि जी ने उस चीज को अपने आप में ही अपने ऊपर लिया कि वो खुद ब खुद करवाएंगे, और महिला की क्या आप क्या कभी ऐसा कोई नेता आया जो खुद समस्याओं को, मतलब ये पहले नेता है जो आए आपसे खुद बात है? ठीक है, तो मोदी, योगी मोदी, कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, रवि किशन।
गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, उज्ज योगी महाराज की जय। वोट मांगा, आगे बढ़ रहे हैं चुनावी यात्रा में पूरा दिन आज रवि किशन जी के साथ। आइए आगे चलते हैं, क्या कुछ कहते हैं वो सवाल है और जवाब के लिए रवि किशन जी हैं जो आगे आपसे बात करेंगे। फेमस डायलॉग है रवि भैया आपका, फेमस डायलॉग है आपका, एक बार हो जाए। जिंदगी झंड बा, गठबंधन के मुंह बंद बा, का हाल बा? इस मई के चुनाव बाटे, इधर इधर घुमाओ, हमारे प्रधानमंत्री के चुनाव बा, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, वोट की अपील कर रहे हैं रवि किशन मोदी जी के, जिता के एक मजबूत सरकार चाहिए हमनी के। योगी महाराज जी जितना काम कैलन पूरा देश जाना था गोरखपुर के स्वर्ग बना देने, जिस तरीके और हमनी के मौका बाटे, जब 5 साल हमारे प्रधानमंत्री, 5 साल हमारे मुख्यमंत्री बैठ, तो हमनी के मौका बाटे कि उनको जिताए जाए। चलो कमल को, कमल की वोट करना, कमल खिली, हमारे मोदी जी जीती हैं, उनके प्रधानमंत्री एक बार फिर, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, योगी महाराज की जय, भारत माता की, भारत माता की। 19 मई सब लोग भोरे जल्दी निकल जाइए, काहे कि ढेर घाम हो, 10 बजे से पहले मतदान हो जाएगा चाहिए। बोले हाँ, 10 बजे से पहले मतदान बहुत जरूरी बा, पहले मतदान फिर जलपान, ठीक बा? जिंदगी झंड बा और महागठबंधन के मुंह बंद लगा। पहले मतदान फिर जलपान, ये वाणी है रवि किशन जी का कि जिंदगी झंडवा और महागठबंधन के मुंह बंदवा। अब यहाँ से रवि जी कैंपियरगंज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उनसे आखिरी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय दी हमारे साथ सर। बहुत एएस न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत साधुवाद, और एएस न्यूज के ये आपका नाम क्या? आशीष है, प्रवीण सिंह, वेरी हार्ड वर्किंग बॉयज, ये लोग बहुत मेहनत कर ताड़न और इन लोगों के आशीर्वाद, इन लोग जीवन में बहुत आगे बढ़िए। एएस न्यूज़ देखिए और आनंद लीजिए, क्योंकि ये यंग युवा चेहरे हैं जो उसको चला रहे हैं। ना पंजे पे, ना साइकिल पे, ना जात पे, ना हाथी पे मोहर लगी है भैया हो, 56 इंच के छाती पर, हर हर महादेव। धन्यवाद सर बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ रवि किशन जी, जिन्होंने सराहा भी हमारे कार्य को, हमारे चैनल से बात भी की।